हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। आपके सामने है ये। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये आपको डायग्राम यहां पर दे रखा है, ठीक है। ये रही वो रस्सी और इस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। और इससे क्या होगा कि ये जो है घोड़ा इतने हिस्से को चढ़ सकता है क्योंकि रस्सी इतनी ही दूरी तक खींच सकता है ये, इसीलिए इतने हिस्से को ही ये चढ़ सकता है, इससे ज्यादा हिस्से को ये नहीं चढ़ सकता। ये समझ में आ गया होगा, मैं इसीलिए इसी के ऊपर बता दिया आपको। ये वाला हिस्सा है जिसको वो चढ़ सकता है क्योंकि इतनी दूर तक ही इस रस्सी को ये खींच सकता है। तो जो ये हिस्सा चर चुका है या चर रहा है इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश भी कह सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये तो त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब आप देखें, ये मैं जितना हिस्सा उसने चर लिया है, जरा उतने हिस्से को दिखाऊं, तो ये वो हिस्सा है ना, इसको चतुर्थांश कहते हैं। और साथ ही साथ इसको त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं, जिसका ये है वो कोण 90 डिग्री का। जो रस्सी है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 5 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 5 मीटर। ये दूरी है 5 मीटर क्योंकि रस्सी की लंबाई भी 5 मीटर है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 मीटर है इसको इस त्रिज्यखंड का, इस चतुर्थांश के हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या, ठीक है। तो नाम क्या देख सकते हो, आप लिख सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, या फिर ले सकते हो चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख लो, या फिर लिख लो घोड़े द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये होगा थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब थीटा की जगह तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे 90, नीचे 360, पाई का मान 3.14 और आर है हमारे पास 5, तो ये 5 × 5 हो गया। अब ये देखो जरा, ये जीरो से तो ये जीरो कट गया है ना, तो क्या बचा उसको लिख लेते हैं, 9/36 और ये 3.14 है। मैं यहां से अगर दशमलव हटा दूं तो ये 314/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। 9 × 9, 9 × 36, 25 × 25, 25 × 100, तो हमारे पास आ गया 314/16। तो अब 314 को अगर मैं 16 से भाग कर लूं, 16 ही आ रहा है ना, चेक भी कर लेंगे आप, ये आ रहा है यहां पर 19.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल जो है वो, जो घोड़ा है वो चर चुका है या चर लेगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला हिस्सा क्या है, आगे क्या कहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब इसमें का मतलब क्या है, तो पहले देखो तो ये था, ठीक है, ये था आपके पास वर्गाकार जग घास का मैदान। पहले रस्सी इतनी बड़ी थी, कलर लगा देते हैं, चेंज करते हैं, पहले रस्सी यहां से देके यहां तक थी, इसीलिए वो इतना हिस्सा चढ़ सकता था, बस इतना ही हिस्सा चढ़ सकता था। अब उसकी रस्सी की लंबाई बढ़ा दी, अब 10 मीटर कर दी, तो अब जो वो हिस्सा चढ़ पाएगा वो ये हिस्सा चढ़ पाएगा, ठीक है। तो पहले कितना हिस्सा चढ़ पा रहा था और अब कितना हिस्सा चढ़ पा रहा है, तो देखो पहले तो सिर्फ इतना हिस्सा चढ़ पा रहा था ना, है ना, रस्सी लंबी करने से अब वो एक्स्ट्रा कितना हिस्सा चर पा रहा है वो आपको देखना है यहां पर। तो ये वो हिस्सा है, एक्स्ट्रा हिस्सा जो वो चर पा रहा है,
ये वाला हिस्सा। तो तुम्हें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब रस्सी बढ़ाने से अब वो कितना हिस्सा और अधिक चर पाएगा, तो इतना हिस्सा और अधिक चर पाएगा। अब इतने हिस्से का आप कैसे निकालोगे, तो उसके निकालने का तरीका क्या है कि पहले तो ये जो बड़ा चतुर्थांश है, बड़ा त्रिज्यखंड है, पहले इस बड़े त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकाल लो, और इसमें से जो ये छोटा त्रिज्यखंड है ना पीले रंग वाला, इसको माइनस कर दो, तब तो आपके पास ये हरे रंग वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि रस्सी रस्सी की लंबाई 10 मीटर करने पर चरे गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो बड़ा चतुर्थांश है ये, इसका हमें निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, नीचे 360, पाई का मान है 3.14, आर का मान है 10 गुणा 10। ये 0 से ये 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चक्को 36, तो 1/4। यहां से अगर दशमलव हटाओगे तो ये 314/100 हो जाएगा, और ये भी आपके पास 100 है ना, ये 100 से 100 कट गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 314 है इसको 4 से भाग करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। आप भी अपने तरीके से इसको भाग करके देख सकते हैं। तो अब हमें निकालना है कि एक्स्ट्रा कितना, ये वाला जो हिस्सा है एक्स्ट्रा जो वो चर चुका है, ये निकालना है। तो उसके लिए बड़े चतुर्थांश में से छोटे चतुर्थांश को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब रस्सी की लंबाई बढ़ाने से अब कितने अधिक क्षेत्रफल को वो एक्स्ट्रा चढ़ सकता है। तो उसके लिए 78.5 - 19.625, दोनों को माइनस कर देते हैं। 625 है क्या, है चेक कर लेते हैं एक बार, 62 है, 625 नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें यहां पर, तो हमारे पास आंसर आया 58.87 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।